सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को मतदान खत्म करने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का अंतिम आंकड़ा और मतदान का रिकॉर्ड यानी कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो चुनावी प्रक्रिया के बीच में किसी तरह के हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। फॉर्म 17C में देश भर के मतदान केंद्रों पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसमें ढेर सारी जानकारियां शामिल होती हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं का आवंटन, बूथ के हिसाब से मतदाताओं की कुल संख्या, वोट नहीं डालने वाले मतदाताओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से डाले गए वोटों की कुल संख्या और पोस्टल बैलेट से डाले गए मतों की कुल संख्या की जानकारी होती है। फॉर्म 17C के दूसरे हिस्से में उम्मीदवारों के नामों के साथ साथ प्रत्येक को प्राप्त कुल वोटों का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त ये इस बात की जानकारी देता है कि दिए गए बूथ पर दर्ज किए गए वोट कुल डाले गए वोटों से मेल खाते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होने के बावजूद जनता को वास्तविक समय पर अनुमानित मतदान आंकड़ा देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर निर्वाचन आयोग की दुर्दशा को समझाने के लिए एक हिंदी मुहावरा आ बैल मुझे मार का हवाला दिया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार वोटर टर्नआउट मोबाइल ऐप को प्रत्येक राज्य में अनुमानित मतदान का आंकड़ा देने के लिए डिजाइन किया गया। इसके जरिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के अनुमानित मतदान को देखा जा सकता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, मैंने निर्वाचन आयोग के वकील मनिंदर सिंह से विशेष रूप से मतदान ऐप के बारे में पूछा कि क्या वास्तव समय के आधार पर आंकड़ा अपलोड करने की कोई वैधानिक आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है और निर्वाचन आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए ऐसा करता है। न्यायमूर्ति दत्ता ने मतदान प्रतिशत का पूरा आंकड़ा तुरंत सार्वजनिक नहीं करने को लेकर निर्वाचन आयोग की हो रही आलोचना का संदर्भ देते हुए कहा, उस दिन मैंने खुली अदालत में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ आ बैल मुझे मार यानी कि परेशानी को आमंत्रित करने जैसा है। अदालत ने आधारहीन आशंकाओं को संदेहों के बारे में चुनाव आयोग की चिंताओं से सहमति व्यक्त की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।